स्टूडेंट कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 13 इन स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस। और क्वेश्चन इज व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्टेट द प्रिंसिपल ऑन व्हिच इट्स वर्क। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू शो अ सॉफ्ट आयरन पीसेस कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेट वायर यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि यहाँ पर हमें जो भी डिस्कशन करनी है वो अबाउट मेन चीज है। हमारा मेन प्रपोज है इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में जानना। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ कहाँ पर यूज होता है वो सब डिस्कशन हम इस टॉपिक में करेंगे। तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या, उसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेटिक कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉन्ग कॉइल इंसुलेटेड कॉपर वायर अराउंड बाउंड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन। यानी कि एक कॉपर वायर है, उसको आप कोई भी आयरन पीसेस के ऊपर अराउंड यानी कि राउंड राउंड आप से पर उस पर फिरा सकते हो। सॉफ्ट आयरन कोर इन द फॉर्म ऑफ रॉड, यानी वो रॉड के हिसाब से सॉफ्ट आयरन कोर है, वो रॉड के हिसाब से काम करना चाहिए। रॉड यानी जिसमें इंसुलेटर, वन टाइप ऑफ इंसुलेटर जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट इजिली पास आउट हो सकता है। रेडी। It is magnetized only when electric current is passed through it the coil. यानी कि उसे अगर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट इजिली पास आउट होना चाहिए। और अगर इलेक्ट्रिक करंट जो पास आउट होता है वे तो पहले से कंडक्टर था, और दूसरा उसमें से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होता है तो वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। रेडी। और उसी के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेट वहां पर ज्यादा प्रोड्यूस हो सकता है। द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एंड इज जस्ट सोलेनोइड विच इज वाइंडिंग ऑन अ सॉफ्ट आयरन इज कॉल टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। दूसरी डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है, दूसरी डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन की। द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक के कारण जो मैग्नेटिक इफेक्ट आता है वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर डेफिनेशन में समझ रहे हैं। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो पहले से करंट के कारण जो भी ज्यादा से ज्यादा हम करंट प्रोड्यूस करेंगे, अदरवाइज ज्यादा से ज्यादा अगर हम करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा, तो उसने जितना ज्यादा इलेक्ट्रो करंट आप फ्लो करवाओगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता हुआ आपको दिखेगा। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द करंट सोलेनोइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल लाइक अ सॉफ्ट आयरन बाय क्लैंपिंग इनसाइड द सोलेनोइड। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है, प्रोड्यूस करना है, तो इनसाइड अ करंट सोलेनोइड कैन बी यूज ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। यानी कि आयरन पोर्शन है, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है तो आपको जिस सोलेनोइड के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है लाइक आयरन पोर्शन मटीरियल लाइक अ सॉफ्ट आयरन, उसका मटीरियल सॉफ्ट आयरन के जैसा होना चाहिए। किसके अंदर? जो सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिज्म यूज होता है वो जो यहाँ पर मैं आपको फिगर ड्रॉ करके समझा देता हूँ, यानी आपको अच्छी तरीके से समझ लो कि ये कोई कंडक्टर है, ये सॉफ्ट आयरन का बना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट आयरन का अगर बना होगा तो उसमें से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाएगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाएगा उतना ही मैग्नेटिज्म हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। रेडी। उसी रीजन से यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक करंट इजिली फ्लो करवाना चाहिए। इसमें किसी को उसे डाउट? चलो, इसको हम किससे कनेक्ट करेंगे? बैटरी से। इसको हम किससे कनेक्ट करेंगे? बैटरी से। इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, यहाँ पर पॉजिटिव। इसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जितना करंट इसमें से फ्लो होगा वो तो करंट फ्लो होगा ही, साथ में ये जो आयरन पोर्शन है उसमें भी करंट फ्लो होने की ट्राई करेगा, और उसके रीजन से हमें क्या मिलेगा,
सॉफ्ट आयरन पीसेस, सॉफ्ट आयरन रोड्स भी कह सकते हैं या पीसेस भी कह सकते हैं। कोयल ऑफ इंसुलेटेड कोयल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, रेडी चलो। मैंने आपको बोला था कि इस तरीके से अगर सोलेनोइड को आप किसी स्टोक आयरन कोर पर आप इसको एडजस्ट कर दोगे किसी भी सोलेनोइड को, एक तो आयरन है वो भी इलेक्ट्रिक करंट ये तो पास हो रहा होने ही वाला है, और इसमें से जितना भी इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होगा इन द सोलेनोइड उतना इलेक्ट्रिक करंट ये स्टोक आयरन कोर में से इजिली पास आउट होने देगा। इसके कारण ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस पास आउट होगा, और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक पास आउट करंट पास आउट होने से ज्यादा हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। कोयल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, जो कोयल है जो हमने बनाई है वो कॉपर वायर से टोटली बनी हुई है। वन द करंट इज स्विच ऑफ ऑलमोस्ट लूजेस दिस मैग्नेटिक, अगर आप स्विच बंद कर दोगे, अगर आपने शुरू कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा इसमें से इलेक्ट्रिक मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होता हुआ आपको दिखेगा, पर आपने एक बार जो स्विच बंद कर दी, यहाँ पर समझ लो कि कोई स्विच रखी गई हुई थी, अगर आपने ये स्विच ऑफ कर दी तो स्विच ऑफ करने से यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का करंट भी कैसा हो जाएगा ऑफ, और अब एक बार आपने जो ऑफ कर दी तो फिर इसको स्टार्ट होने में भी थोड़ा सा समय लगता है। Once the current is switched off, almost loses its magnetic property. अगर ये आप एक बार भी ये current flow करते हैं बंद कर देंगे, अगर कोई reason से यहाँ पर switch off हो जाती है, तो switch off हो जाने से यहाँ पर जितना भी magnetic property और magnetic field आपको मिल रहा था वो एक ही झटके में बंद हो जाएगा, वो एक ही झटके में बंद हो जाएगा, और फिर से उसको शुरू करना वो थोड़ा सा difficult रहेगा। ऐसे अच्छी तरीके से इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, यानी कि ये कह रहा है कि एक बार ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाए, बाद में इसे स्टॉप करो तो आपको लॉस हो जाएगा, यानी कि अगर जो शुरुआत कर रहे हो शुरू हो रहा है तो उसे कंटिन्यूसली चलना देना भी जरूरी बनता है। रेडी, आई बात समझ में अच्छी तरीके से। इसकी कई सारी स्ट्रेंथ होती है और दो तीन वीकनेस भी इसकी है। स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट की कई सारी स्ट्रेंथ है या कई सारी जगह भी यूज भी होता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ रेंज आपको दिखेगा, क्योंकि जितना कोयल बनाओगे जितनी नजदीक नजदीक वायर को एक दूसरे से साथ रखोगे और जितनी ज्यादा कोयल लगाओगे इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और हमें उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट का वैल्यू मिली। द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन द सोलेनोइड, सोलेनोइड किसे कहा जाता है, द नंबर ऑफ यूनिट सॉरी द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द यूनिट लेंथ, द करंट आई थ्रू द सोलेनोइड यानी करंट है वो किसमें से सोलेनोइड से पूरे सोलेनोइड में से पास आउट होता आपको दिखेगा। रेडी, आई बात समझ में। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट देख लेते हैं, कौन कौन से यूजेस हैं, कहां कहां पर ये यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट इन द प्रेजेंट लाइफ, हमारे लाइफ में कौन कौन सी जगह यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज इन द इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक डिवाइस में यूज होता है। रेडी, इलेक्ट्रिक केस, इलेक्ट्रिक केस के अंदर अभी जो हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिक केस है उसके इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। इलेक्ट्रिक फैन, टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक ट्रेन, जब इलेक्ट्रिक ट्रेन अभी आई है, अभी हमारी कंट्री में अच्छी है कम है यहाँ पर ट्रेन, बाहर की कंट्री में ज्यादा इलेक्ट्रिक ट्रेन है। इलेक्ट्रिक ट्रेन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है।
रेडी, एन इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर, इट इज इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर डिस्कशन हम यहाँ पर इसी लेक्चर में करने, सॉरी हम यहाँ पर इसी चैप्टर में करने वाले हैं, पर इन द नेक्स्ट लेक्चर आगे के लेक्चर में आप इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर का कुछ पार्ट भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। दे आर यूज्ड इन लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग लार्ज मासेस ऑफ आयरन फ्रॉम गर्स, यानी कि अगर बहुत ज्यादा आपको कोई इंस्ट्रूमेंट हैवी है और उसको आपको एक दूसरे से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना है, समझ लो कि 15 माइल्स की एक इमारत है, उसमें से नीचे से सीमेंट कंक्रीट वो सब चीजें आपको ऊपर पहुंचानी है, तो ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के कुछ रूल्स पर काम करने वाली इंस्ट्रूमेंट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूल्स पर कुछ काम करने वाली इंस्ट्रूमेंट होती है, वो इंस्ट्रूमेंट के यूज करने से यूज करने से जो इंस्ट्रूमेंट है वो इजीली वर्क कर सकता है और इजीली एक जगह से दूसरे जगह पर मास है वो ट्रांसफर कर सकता है इजीली। रेडी, दे आर यूज इन मेडिकल प्रैक्टिस फॉर रिमूविंग पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम वुड, यानी कि हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में भी अब ये मैग्नेटिक के यूजेस से बनने, मैग्नेटिक के रूल से बनने वाला कई सारे इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में भी मेडिकल प्रैक्टिस में भी और रिमूविंग पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम द वाउंड, यानी कि उसमें भी यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। तो ये रहा इलेक्ट्रोमैग्नेट की पूरी डेफिनेशन, पूरी थियरी। इलेक्ट्रोमैग्नेट वैसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर यह समझना भी जरूरी था क्योंकि ये पूछा नहीं जा रहा है, पर इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और वर्किंग भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो सकती है और कई सारी जगह पर यहाँ इस रूल्स को फॉलो करके नई कई सारी इंस्ट्रूमेंट बनाई गई हुई है, जैसे लाइक क्रेन, क्रेन जो अब होती है ज्यादा ज्यादा सामान पहुंचाने के लिए क्रेन यूज होती है, क्रेन और वो ज्यादा मासिस को ले जाने एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए बड़ा, अगर कोई बड़ा ऐसा चीज हो तो उससे हैवी है मास का उसका बहुत हैवी है तो उससे लार्ज मास के लिए उसको उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्रेन की जरूरत होती है और क्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेट थोड़ा सा यूज होता है उसका जो यूजेस होता है उसके अंदर और उसी के कारण जो उसका मास है वो कम हो जाता है और इजिली एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर हो सकता है। रेडी, आगे बात समझ में, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो हमने करवाया। अब इन द नेक्स्ट टॉपिक हम इलेक्ट्रिक मोटर है इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ये सभी टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट पर ही डिपेंड है, तो यानी कि अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर रहेगा, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के लिए, इसलिए वो मैं भी उसमें भी मैं आपको फिगर ड्रॉ करके अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बोल देना तो मैं एक बार वो क्वेश्चन रिपीट करवा दूंगा। चलो, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है ना, तो ये आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से होमवर्क में 2 टाइम लिख लेना, 1 टाइम इन द फेयर बुक और 2nd टाइम इन द रफ बुक, और ये अच्छी तरीके से लर्न कर लेना क्योंकि अब जो भी सारे क्वेश्चन होने वाले हैं वो रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पर ही होने वाले हैं, तो यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट का अगर आपको रूल्स पता होगा तो आप इजीली जो क्वेश्चन है उसे फॉलो कर पाओगे और अच्छी तरीके से समझ पाओगे। चलो, गुड बाय एंड टेक केयर।